आज अमृत वेला के पावन शुद्ध क्षणों में मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा का भगत स्वरूप देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा वे प्रथम शिव भगत थे जिन्होंने राजा विक्रमादित्य के रूप में शिवलिंग की पूजा की, आराधना की, परंपरा का शुभ आरंभ किया था जो आज तक चल रहा है। शिव भगवान ने उनकी अव्यभिचारी भक्ति के फल स्वरूप उन्हें परमात्मा ज्ञान का दिव्य प्रसाद प्रदान किया और उनके द्वारा सतयुगी पवित्र सृष्टि की पुनः स्थापना का कार्य आरंभ किया। मैं आत्मा स्वयं को शिव पिता की छत्र छाया में देख रही हूँ। अपने मन की हलचल को शांत कर स्थिर बुद्धि होकर शिव पिता परमात्मा की याद में बैठी हूँ। स्वयं को सुरक्षित अनुभव कर रही हूँ। शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना ही सुरक्षा कवच धारण करना है। माया के तूफान से सेफ रहना है। मुझे माया के तूफान से सेफ रहना है। मैंने ईश्वरीय याद रूपी शक्तिशाली कवच पहन रखा है। सभी गुणों का कवच पहन रखा है, इसलिए मेरे पवित्रता के प्रखर प्रभा मंडल को देखकर सभी तमोगुणी आत्माएं मुझसे दूर भाग रही है। मेरी सुरक्षा स्वयं परमात्मा शिव पिता कर रहे हैं। इस कल्याणकारी संगम युग में मैं परमपिता परमात्मा की शक्तिशाली याद द्वारा ही सारे विकर्मों और सारे विकार विनाश होंगे और श्रीमत प्रमाण चलने वाली मन मुक्त आत्मा हूँ। मैं सदा श्रीमत प्रमाण चलने वाली मन मुक्त आत्मा हूँ। स्मय प्रमाण वर्तमान स्मय अचानक का खेल चल रहा है। जीवन की अंतिम घड़ियों का कोई भरोसा नहीं है। मैं आत्मा श्रीमत अनुसार अशरीरीपन का बहुत अभ्यास कर रही हूँ। यही अभ्यास
अंत समय मेरी मदद करेगा। मन में माया के तूफान भी शोर मचा रहे हैं, चारों तरफ से परिस्थितियां जैसे मेरे हौसले को परास्त कर देना चाहती है। मैं सदा एक बल एक भरोसे पर टिकने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। सदा शिव बाबा द्वारा दिए गए फरमान अनुसार सी फादर फॉलो फादर करती हूँ। ईश्वर की कृपा से मुझ आत्मा का जीवन सुख शांति पूर्ण चल रहा है, परंतु दुनिया में हो रहे दुख अशांति के ड्रामे को देख मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए मैं आत्मा विचलित हो जाती हूँ। तत्काल शिव बाबा साक्षीपन की याद दिलाकर मुझे हल्का कर देते हैं। अब मैं आत्मा सभी आत्माओं को दुखों से मुक्त करने के लिए सदा शक्तिशाली योग साधना द्वारा सकास देने की सेवा में व्यस्त रहती हूँ। सदा शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सहयोग देने का प्रयास करती हूँ। मैं आत्मा अपने प्यारे मुक्तिदाता शिव पिता के साथ कंबाइंड होकर सभी आत्माओं को सकास दे रही हूँ। मुझे मुक्ति का दान देकर परम धाम उन सभी को मुक्ति का ध्यान देकर उन सभी को मुक्ति का दान देकर परम धाम भेज रही हूँ। सभी भटकती हुई आत्माओं के शांत चित्त को शांति मिल रही है। मृत्यु की भीख मांग रही तड़पती हुई आत्माएं सहज ही शरीर से मुक्त हो रही है। अब घर जाना है, यही संकल्प बार बार स्मृति में आ रहा है। सभी आत्माओं को शांति और शक्ति का सकास देने की सभी आत्माओं को शांति और शक्ति की सकास देने की सेवा ही अंतिम सेवा है। मुझे सभी दुखी आत्माओं को शांति का सकास देना है और सभी के मन को शांत करना है। मुझे सभी आत्माओं को परमात्मा शिव से जोड़ने के लिए मनसा सेवा करनी है।
मैं परमात्मा शिव की अति लाडली प्यारी संतान हूँ। मुझे सभी दुखी आत्माओं को सुख शांति की शक्तिशाली किरणें सारे विश्व में फैलानी है, ताकि सभी दुखी तड़पती हुई आत्माओं को शांति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए। यही अनुभव सभी आत्माओं को कराना है। सभी आत्माएं मुक्त हो रही है, शांत हो रही है। परमात्मा पिता का सबको दर्शन हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है। अब सभी आत्माएं अपने मन को शांत कर मुक्ति धाम की ओर जा रहे हैं। हमें यही अभ्यास दिन में बार बार करना है, जिससे हमारी सभी चिंताएं, सभी दुख दर्द, भय, कष्ट, सभी बीमारियां एकदम दूर हो रही है। परमात्मा शिव पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे बाबा मुझे अपनी छत्र छाया में रखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओम शांति।